वेलकम टू माय चैनल संगीताज क्रिएशन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ उनसे राखी। तो देखिए ये राखी मैं कैसे बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए दो कलर की ऊन। आपके पास जो भी ऊन है आप वह ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऊन के नाप कर 15 इंच लंबी ऊन ली है, तो मैंने इसे 4th layer में ले ली है। आपकी ऊन अगर पतली है तो आप ज़्यादा लेयर ले सकते हैं। मेरी ऊन थोड़ा मोटी थी तो मैंने 3 layer में ऐसे 4-4 बार ऐसे 3 जगह ले ली है। फिर सबको मैंने एक साथ पकड़कर गांठ लगा दी, ऐसे गांठ लगाने के बाद हम इसे यहाँ पर टेप से फिक्स कर लेंगे क्योंकि मुझे इसकी गुथ बनानी है। उसके बाद मैंने इसकी इस तरह से गुथ बना ली है। अगर आपके पास टेप भी नहीं है आप इसे किसी भारी वजन की किताब वगैरह से दबा सकते हैं। गुथ बनाने के बाद मैंने ऐसे यहाँ से ये सब एक गांठ लगाने के बाद यहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद देखिए ये ऐसे बन गई है। इधर से भी मैं कट कर दूंगी और फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ढीला कर लेंगे। ऐसे चौड़ाई चौड़ा चौड़ा कर रहे हैं थोड़ा। ये नहीं कि आप कुछ ढीली गूंदो, कुछ ढीली नहीं गूंदनी है बल्कि इसे ही इस तरह से ढीला करना है। और इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए हमारा फ्लावर कितना खूबसूरत बन गया है। और हम इसे यहाँ पर इसके बाद मैंने फिर से ऊन ली है और इसमें गांठ लगा लेंगे। ये आप जितनी भी मोटी पतली जितनी भी मोटी डोरी बनाना चाहें जिसके ऊपर हम राखी फिक्स करेंगे ये उसके लिए लिए मैंने। और फिर से कुछ बनाऊंगी। अब की बार मैंने टेप से नहीं लगाया, उसके ऊपर एक किताब रख दी है क्योंकि अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप कुछ भारी वजन का सामान रख कर भी ऐसे गुथ बना सकते हैं। ये थोड़ा मैंने पतली ली है। ये राखी बहुत ही मजबूत रहेगी। कुछ लोग फैंसी राखी पसंद नहीं करते हैं तो ये राखी काफ़ी दिन तक चलेगी। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक अपनी राखी बांध कर रखते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी है। बड़े लोग जो बड़े भाई होते हैं वो भी फैंसी राखी पसंद नहीं करते हैं तो मैं ऐसी राखी उनके लिए भी बना सकते हैं। और ये राखी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये रोज़ फ्लावर की है। देखिए अब ये हमें यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास फेविकोल वगैरह भी नहीं है तो आप इसे सुई से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे सुई धागे से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगी। सुई धागे से बनाने के बाद तो ये काफ़ी दिन तक चलेगी। तो देखिए ये राखी तैयार हो गई है। आप मेरी राखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप भी बनाइए। अगर आपके पास और किसी कलर की ऊन होगी तो उससे और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। मेरे पास केवल यही ऊन थी तो मैंने इसी से बनाया है। तो आप ये ऐसी राखी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।